तुम इकरार करते हो कि अल्लाह तुम्हारा और हर चीज का मालिक है, इसके क्या मानी? इसके मानी ये हैं कि तुम्हारी जान तुम्हारी अपनी नहीं, खुदा की मिल्क है, तुम्हारे हाथ अपने नहीं, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान और तुम्हारे जिस्म का कोई उज्व तुम्हारा अपना नहीं। ये जमीनें जिनको तुम जोतते हो, ये जानवर जिनसे तुम खिदमत लेते हो, ये माल असबाब जिनसे तुम फायदा उठाते हो, इनमें से भी कोई चीज तुम्हारी नहीं। हर चीज खुदा की मिल्क है और खुदा की तरफ से अतीय के तौर पर तुम्हें मिली। इस बात का इकरार करने के बाद तुम्हें ये कहने का क्या हक है कि जान मेरी है, जिस्म मेरा है, माल मेरा है और फलां चीज मेरी है? दूसरे को मालिक कहना और फिर उसकी चीज को अपनी करार देना बिल्कुल एक लग बात है। अगर दर हकीकत ये बात सच्चे दिल से मानते हो कि इन सब चीजों का मालिक खुदा ही है, तो इससे दो बातें खुद ब खुद तुम पर लाजिम हो जाती हैं। एक ये कि जब मालिक खुदा है और उसने अपनी मिल्कियत अमानत के तौर पर तुम्हारे हवाले की है, तो जिस तरह मालिक कहता है उसी तरह इन चीजों से काम लेना चाहिए। उसकी मर्जी के खिलाफ इनसे काम लेते हो तो धोखाबाजी करते हो। तुम अपने इन हाथों और पांव को भी उसकी पसंद के खिलाफ हिलाने का हक नहीं रखते। तुम इन आंखों से भी उसकी मर्जी के खिलाफ देखने का काम नहीं ले सकते। तुमको इस पेट में भी कोई ऐसी चीज डालने का हक नहीं है जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। तुम्हें इन जमीनों और इन जायदादों पर भी मालिक के मंशा के खिलाफ कोई हक हासिल नहीं है। तुम्हारी बीवियां जिनको तुम अपनी कहते हो और तुम्हारी औलाद जिनको तुम अपनी कहते हो, ये भी सिर्फ इसलिए तुम्हारी हैं कि तुम्हारे मालिक की दी हुई है। लिहाजा तुमको उनसे भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि मालिक के हुक्म के मुताबिक ही बर्ताव करना चाहिए। अगर इसके खिलाफ करोगे तो तुम्हारी हैसियत गासिब की होगी। जिस तरह दूसरे की जमीन पर कब्जा करने वाले को तुम कहते हो कि वो बेईमान है, इसी तरह अगर खुदा की दी हुई चीजों को तुम अपना समझकर अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करोगे या खुदा के सिवा किसी और की मर्जी के मुताबिक उनसे काम लोगे, तो वही बेईमानी का इल्जाम तुम पर भी आएगा। अगर मालिक की मर्जी के मुताबिक काम करने में कोई नुकसान होता है तो हुआ करे। जान जाती है तो जाए, हाथ पांव टूटते हैं तो टूटे, औलाद का नुकसान होता है तो हो, मालो जायदाद बर्बाद हो तो हुआ करे, तुम्हें क्यों गम हो? जिसकी चीज है वही अगर नुकसान पसंद करता हो तो उसको हक है।